hello everyone welcome to my channel so today we will discuss the summary of the chapter sound so this chapter sound has been taken from the ncrt science book of grade 8 so I would like to tell you also I have uh, completed the chapter and the respective videos are there on my channel you can visit them and in this to today's particular video we will discuss about the what we have learned in the chapter sound so let's get started sound is produced by vibrating body जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमेशा एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है राइट सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट

स्पीक uh, क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड पैराइस हो जाती है राइट सो ए ऑफ स्पीक, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड, राइट तो ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, राइट नाउ साउंड ट्रैवल थ्रो मीडियम गैस लिक्विड एंड सॉलिड इट कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो साउंड है उसको हमेशा चलने के लिए पास होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए यह मीडियम गैस हो सकता है लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है राइट right. गैस की अगर हम बात करें तो हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे जो है एक ग्लास टम्बलर को हम अपने मुंह से लगाते हैं और इसमें से सारी हवा सक कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे 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 हमारी आवाज़ आनी कम हो जाती है क्यों क्योंकि उसमें जो है एयर कम हो जाती है जिसकी वजह से जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती लिक्विड में भी हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पर हमने देखा था कि एक लड़के ने जो है अपना जो है कान के साथ जो है इस तरीके से जो है पौंड छोटे से में जो है एक छोटा सा एक मोबाइल फोन बीच में रखा एंड देन दे कैन हियर द साउंड मीन जो है लिक्विड में भी जो है गैस जो, सॉरी जो है साउंड ट्रांसमिट होता है होती है और इसी वजह से जो है क्वेटिक एनिमल अपने आप से कम्युनिकेट कर पाते हैं राइट right? और सॉलिड सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करती है जैसे कि आपने रेलवे लाइंस में देखा होगा कई लोग जो है रेल की पटड़ी के साथ कान लगा के सुनते हैं ताकि उनको वाइब्रेशन मिल सके कि क्या वो गाड़ी आ रही है या नहीं लेकिन ये जो है साउंड कभी भी वैक्यूम में नहीं जो है ट्रांसफर होती ट्रैवल होती राइट right? तो फिर जब जो लोग मून पे जाते हैं या स्पेस में जाते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं वो दे कम्युनिकेट विद दी हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स राइट उनके हाथ में छोटे छोटे वो मोबाइल की तरह नहीं होते वो जो है रेडियो वेव को ट्रांसमिट करते हैं जो अपने आपकी वॉइस के सिग्नल होते हैं ना उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके फिर दे ट्रेवल थ्रू द रेडियो वेव्स राइट इसी की वजह से जो है साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में राइट नाउ द ईयर ड्रम सेंस इज द वाइब्रेशन ऑफ साउंड इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग जो ईयर ड्रम होता है ना हमारा ईयर ड्रम जिसको हम टम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ये सेंस करता है वाइब्रेशन ऑफ साउंड तो ये जो है वाइब्रेशन को फिर वो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जिसके थ्रू जो हमारी जो है नर्वस सिस्टम वहां से एक नर्व आती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व सो दिस नर्व कैन बी आस्क्ड इन वन ऑफ द क्वेश्चन और एम कौन सी नर्व जिसकी सहायता से आप सुन सकते हो कौन सी नर्व है जो सुनने में हेल्प आउट करती है वो होती है ऑडिटरी नर्व तो जो ईयर ड्रम होते हैं वो वाइब्रेशन को सेंस करते हैं फिर वो जो है ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और इस प्रोसेस को हम हेयरिंग बोलते हैं और हमारे हमने अपने कान में कभी भी कोई शार्प चीज नहीं मारनी चाहिए जैसे कि नीडल वगैरह क्योंकि उससे जो है आपके कान का पर्दा जो है फट सकता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सो एक सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट कितनी बार ऑसिलेट करता है राइट सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक सेकेंड में कितनी बार ये वाइब्रेट हुआ या कितनी बार ऑसिलेट हुआ एक सेकेंड में दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और फ्रिक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं हर्ट्स सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट आर द यूनिट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी इट इज वन हर्ट्स सॉरी इट इज दी हर्ट्स लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज दॉन्ड जो एम्पलीट्यूड होता है उसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है लाउडनेस के साथ होता है जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उतनी आवाज उसकी उसकी लाउडनेस जो होगी ज्यादा होगी राइट right? तो अगर हमने बोला कि एम्पलीट्यूड को हमने ट्वाइस कर दिया है तो एम्पलीट्यूड जो है फोर टाइम्स हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड का जो रिलेशनशिप होता है लाउडनेस के साथ जो होता है स्क्वायर होता है राइट right? नाउ सॉरी द लाउडनेस इज एम्प्टीच्यूड का स्क्वायर नाउ हायर द फ्रीकवेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच एंड शोर इज द साउंड जिस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगी हायर इज द पिच जैसे कि एक ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है इसलिए उसकी जो है पिच कम होती है और जो है एक विसल होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती, होती है इसलिए उसकी पिच भी ज़्यादा होती है बेसिकली हमें ये याद रखना है कि लाउडनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड का है के साथ है और फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप पिच के साथ अनप्रजेंट साउंड नॉइस तो मैं आपको यहाँ पे पर बताना चाहती थी जिस तरीके से आपके पास एक म्यूजिक है और एक नॉइस है म्यूजिक की जो है आपको एक मेलोडियस वॉइस है जो आपको अच्छी लग रही है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके के साथ होगा तो जबकि हम साउंड की अगर नॉइस की बात करें तो उसका कुछ इस तरीके का होगा जो ग्राफ होगा सो so, जो न्यू म्यूजिक है वो आपके कानों को अच्छा लगेगा जबकि नॉइस है वो आपको इरिटेट कर सकता है यू इट कैन गिव यू हेड एक राइज इन ब्लड प्रेशर सो द अनप्लेजेंट साउंड इज़ कॉल्ड एज द नॉइस एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइस पोल्यूशन ज़रूरत से ज़्यादा और अनचाही जो साउंड है वो आपके लिए एक नॉइस पोल्यूशन हो सकती हैं और नॉइस पोल्यूशन जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कर सकती हैं ह्यूमन बींग्स को शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइस पोल्यूशन हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें जो है नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकें प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन रोड साइड के ऊपर जब हम ट्रीज़ लगाते हैं या कहीं और जगह पे हम अपनी जैसे जो हमारी रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पे अगर हम प्लांटेशन लगाते हैं कोई प्लांट लगाते हैं उसके साथ भी जो है एक जो है नॉइस पोल्यूशन कम हो जाता है इसलिए जो है रोड साइड के ऊपर जो है प्लांट्स वगैरह भी लगाए जाते हैं एक तो ये ब्यूटिफिक ब्यूटिफिकेशन करता है दूसरा ये हार्मफुल या अनवांटेड साउंड्स को भी अब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से जो है नॉइस पोल्यूशन को कम करने में ये मदद करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग